हेलो फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं चैन एंड टेप सर्वे। और इसमें हम सभी देखने वाले हैं रेंजिंग के ये दूसरा मेथड इनडायरेक्ट। और इस इनडायरेक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, रेसिप्रोकल भी बोला जाता है रेंजिंग। ठीक है, लेवलिंग भी बात बोलता है, यहाँ रेंजिंग है। ठीक है, ये तो आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ड्यू टू इंटरवेनिंग ग्राउंड। इंटरवेनिंग ग्राउंड मतलब ऊबड़ खाबड़ हो। ठीक है, कहीं एकदम नीचे है, कहीं ऊपर है। इफ द रेंजिंग रॉड एट बी इज नॉट विजिबल, जैसे ए स्टेशन से हमें बी स्टेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो उसको विजिबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल रेंजिंग करना। रेंज करने के लिए रेसिप्रोकल रेंजिंग का यूज लेना पड़ेगा। जैसे कुछ मैं आपको पिक्चर्स भी बता रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल सके और किस तरीके से करना है। ये पूरा जो थियरी यहाँ से यहाँ तक आपको लिखी हुई दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो पूरा मैं पिक्चर की हेल्प से आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है और ए बी पॉइंट है, ए से बी भी नहीं दिख रहा है और बी से ए भी नहीं दिख रहा है, तो आपको इस तरीके से सेटअप करना पड़ेगा कि जैसे इंटरमीडिएट पॉइंट एम और एन इस तरीके से सेटअप करें कि ये एम और एन इसके रेंजिंग में, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, हाँ, ये इसके रेंजिंग में ये तीनों एक लाइन में आ जाए। ठीक है, और ये एम एन इस तरीके से सेटअप होने चाहिए कि बी से भी ये एम एन दिखने चाहिए, बी से भी ये क्या होने चाहिए, एम एन दिखने चाहिए। तो ये इधर से ये स्ट्रेट दोनों पॉइंट आ गए और इधर से ये दोनों स्ट्रेट पॉइंट आ गए, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पूरा ए से लेके बी तक हमारा रेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, ए से मैंने ड्रॉ किया तो एम जो ये दो लाइन थे दोनों आ जा रहे थे और ये इधर से आ जा रहा था, तो हमारा ये एक लाइन में आ जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमें सेटअप करने पड़ते हैं। जैसे कुछ प्रैक्टिकली देख सकते हैं, जैसे यहाँ से देख रहा है तो ये दिख रहा है, ये बी पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा है, बी से भी देख रहा है तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है, तो कुछ ट्री हो सकते हैं या तो कुछ ऐसा हो सकता है, तो उसको कैसे करेंगे, इस तरीके से देखिए, ए पॉइंट सी और डी, सी वन और डी वन पुट किए, और इस तरीके से करना है कि ए सी और डी ये एक लाइन में हो। ठीक है, और यहाँ से भी बी से भी देखें तो बी डी और सी ये एक लाइन में दिखनी, स्ट्रेट लाइन में दिखने चाहिए। ठीक है, जैसे ये देखो, ये पहला इसने किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आया। ओके, फिर उसके बाद से इधर से किया तो ये स्ट्रेट लाइन में आया, तो हमारा जो ये पॉइंट था, ये देखिए, ये इधर से भी दिख रहा है और इधर से बंदा दिख रहा है, इधर से भी दिख रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है, हमारा रेंज में आ जाता है। ठीक है, जो नो पॉइंट है कि ताकि हम ये छोटे छोटे डिस्टेंस मेजरमेंट करके कंप्लीट डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकें। क्लियर, नेक्स्ट वीडियोज में हम सभी ये देखेंगे कि कुछ टर्म रिलेटेड, चेन सर्विस से रिलेटेड, तो वो टर्म्स को हम समझेंगे डिटेल में कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए।